हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर से एक नई वीडियो MCQs बेस्ड वीडियो है, और ये वीडियो जो है ये होगी हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर। इसका जो कंसेप्ट्स हैं वो मैंने समझा दिए हुए हैं पिछली वीडियोस में, जाके आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अब ये वीडियो जो है हमारी MCQs के ऊपर बेस्ड होगी सारी की सारी, ठीक है जी। तो ये वीडियो क्लास 11th के लिए, CPT का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है नवंबर 2019 में उसके लिए, CS फाउंडेशन का एग्ज़ाम है उसके लिए, और NTA UGC नेट दिसंबर 2019 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जो है ये वीडियो उनके लिए होने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये जनरली किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। ऑप्शन ए प्रैक्टिकेबिलिटी, ऑप्शन टू सब्जेक्टिविटी, ऑप्शन सी कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो सारे प्रैक्टिकली प्रूवन होते हैं, सारे फैक्ट्स फिगर्स को प्रूव किया जा चुका है, सो ये बेसिकली प्रैक्टिकेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्रिएटिंग प्रोविजन अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच अकाउंटिंग कन्वेंशन। कि जब हम प्रोविजन बनाते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट, जैसे इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसमें फ्लक्चुएशन होता है ना, नॉर्मली आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूज़ होती है ना उसमें फ्लक्चुएशन की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, ठीक है। कि मार्केट है, मार्केट में चेंजेस आपको पता ही होते रहते हैं, निफ्टी 50 सेंसेक्स है, स्टॉक मार्केट में चेंजेस डे बाई डे होते रहते हैं, तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जो हमारी वैल्यू है ना वो कम ज़्यादा चलती रहती है। तो उस केस में हम कौन सी प्रोविजन जो है वो बनाते हैं, जो भी प्रोविजन बनाते हैं उस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए उसको क्या कहा जाता है, या वो किस कन्वेंशन के अंडर बनाई जाती है। तो बिल्कुल सिंपल, इसमें हम क्या कर रहे हैं, लॉस को एंटिसिपेट कर रहे हैं ना। फ्यूचर में पता नहीं लॉस होगा नहीं होगा, प्राइस कम होगा नहीं होगा, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम अभी से ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि प्राइस कम होगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट होता है, इसको प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें हम लॉसेस को एंटिसिपेट करते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है, तो ये CPT के एग्ज़ाम के लिए और UGC नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। थर्ड क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ एसेट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। जो एसेट्स की कॉस्ट होती है वो लाइबिलिटीज़ की कॉस्ट के बराबर होती है। दिस कंसेप्ट इज ऑप्शन ए डबल एंट्री बुक कीपिंग, ऑप्शन बी मैचिंग कंसेप्ट, ऑप्शन सी कंसिस्टेंसी, एंड ऑप्शन डी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखो सिंपल सी चीज़ है, आप एसेट परचेज करते हो कोई 2 लाख रुपए की उधार पे, क्रेडिट पे, तो आपकी लाइबिलिटी भी तो 2 लाख रुपए की बनेगी, है ना। मतलब एसेट को आपने लाइबिलिटी से क्या कर दिया, मैच कर दिया, तो ये कौन सा कंसेप्ट के अंडर आएगा, मैचिंग कंसेप्ट के अंडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, द आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस आर ₹2000। बिजनेस की आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है, 20,000। प्रोप्राइटर की कैपिटल कितनी है, 50,000। तो टोटल एसेट्स कितने हैं फर्म के, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है, जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी फॉलो करते हैं, ए इक्वल्स टू एल प्लस सी। ए का मतलब एसेट्स, एल का मतलब लाइबिलिटी, सी का मतलब कैपिटल। तो एसेट्स हमें पता नहीं कितनी है, हमने एसेट्स फाइंड आउट करनी है, लाइबिलिटीज गिवन है कितनी है 20,000, और कैपिटल गिवन है प्रोपराइटर की कितनी, 50,000। तो 20 + 50 कितना हो गया, 70। तो हमारी जो एसेट्स हैं वो कितनी वैल्यू की आएंगी, ₹70,000। तो 70,000 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी जो है वो 70,000 है, तो इसका आंसर होगा 70,000। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड। कि जो सिस्टम है रिकॉर्डिंग का वो डुअल एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए डबल अकाउंट सिस्टम, ऑप्शन बी डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन सी सिंगल एंट्री सिस्टम, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है सारा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टर्म EVA इज यूज्ड फॉर। जो टर्म EVA है ये किसके लिए यूज़ की जाती है, बिल्कुल सिंपल है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिड जो है इसको, इसका एब्रिवेशन जो है वो क्या है, EVA, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडिड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी। देखो कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो है ना,
एक वो लाइबिलिटी होती है जिसका फ्यूचर में होना तय है, मतलब ये वो लाइबिलिटी होती है जो फ्यूचर में 100% होती होती है, लेकिन इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। कहाँ पे दिखाया जाता? नोट्स में, ठीक है। सो द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटीज इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज इन परसुएंस टू, तो ऑप्शन ए है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ऑप्शन बी है मनी मेजरमेंट कंसर्न, ऑप्शन सी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड ऑप्शन डी कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी को भी दिखाना पड़ता है, उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो कौन सी कन्वेंशन के अंडर आएगा? ऑप्शन डी कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर इज द करेक्ट आंसर। देन मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कौन सा एडवांटेज है इन चारों ऑप्शंस में से? ऑप्शन ए है टू इलिमिनेट और रिड्यूस वेरिएशन इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, ऑप्शन बी है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, ऑप्शन सी टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर इन्फॉर्मेटिव एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सारे ही ऑप्शन जो है वो ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ये मैंने ऊपर अभी लिखी है, क्या लिखी थी कि हमने लिखा था ऊपर कि एसेट्स जो है किसके इक्वल होती हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी वी कैन से, और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो अगर हम इसको तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा देखें तो ये ऐसे भी बन सकती है एसेट माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लाइबिलिटी, या ऐसे भी बन सकती है एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। तो देखो इनमें से कोई ऑप्शन बन रही है आपकी, या ये ऐसे भी हो सकती है, कैसे करें इसको, एसेट्स माइनस कैपिटल सही हो चुका है। तो चेक कर लो इनमें, इन तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आ रही है। पहली ऑप्शन है कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटी, तो ये भी ठीक नहीं है। कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये ऑप्शन जो है हमारी, ये वाली अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बन रही है, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, डबल एंट्री सिस्टम इज यूज इन विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम किस अकाउंटिंग में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑप्शन बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑप्शन सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जहाँ पे हम प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं साल के एंड में, तो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। कौन सी आइटम जो है वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है? कंसिस्टेंसी भी है, ठीक है, उसके बाद बिजनेस एंटिटी, थर्ड ऑप्शन गोइंग कंसर्न एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिजनेस एंटिटी इज करेक्ट आंसर, जो अजम्पशन नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंसी अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, बिजनेस एंटिटी जो है वो एक कंसेप्ट है, अजम्पशन नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज आर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, की कौन सी जो है लिमिटेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की? ऑप्शन ए है द चॉइस बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज डिफिकल्ट, ऑप्शन बी देयर मे बी ट्रेंड टुवर्ड्स रिजिडिटी, ऑप्शन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यू। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है? सो फार 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन इशूड इन इंडिया, इंडिया में 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जा चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन बी नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, कि अब अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हो तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये भी नहीं। देखो पहली ऑप्शन में कि 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इशू किया जा चुके हैं इंडिया में, इंडिया में टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है टिल डेट जो है इशू किए जा चुके हैं, लेकिन अभी प्रेजेंटली जो वर्किंग में है वो 29 है। सेकेंड ऑप्शन है, ये भी नहीं सही है। ऑप्शन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय सीबीडीटी, सीबीडीटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, कि क्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है? बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है ना, ये हमारे इंडिया में टैक्स को कंट्रोल करता है, जो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है उसको कंट्रोल किया जाता है इससे, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी हमारे पास बचा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जिसको एएसबी कहते हैं और सेटअप इन 1977, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी न्यूट्रल एंड बायस फ्री, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, बायस फ्री होनी चाहिए। इज द डिक्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए है कंप्लीटनेस कंसेप्ट, ऑप्शन बी है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कंसेप्ट, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑप्शन डी ड्यूअलिटी। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 15,
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रिलेटेड विद द डुअल कंसेप्ट, कौन सी इक्वेशन जो है डुअल कंसेप्ट को सही से रिप्रेजेंट कर रही है। ऑप्शन ए है टोटल एसेट्स इक्वल्स टोटल लाइबिलिटीज, ऑप्शन बी टोटल एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, ऑप्शन सी टोटल एसेट्स प्लस माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी एंड ऑल ऑफ द अबव, ये सारी ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। यू कैन चेक बाय मोल्डिंग ईच अदर। मैं यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देता हूँ, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है, यू कैन डू बाय चेंजिंग देयर साइड्स। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है, ये हार्ड लेवल का है, इसके बाद 14 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल वाले होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डैश, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो किस सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है। तो ऑप्शन ए गोइंग कंसर्न, ऑप्शन बी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ऑप्शन सी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ठीक है जी। तो ये 16 क्वेश्चन थे थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के, ठीक है। अब अगले 14 क्वेश्चन जो होंगे वो मॉडरेट लेवल के होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये भी अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ही क्वेश्चंस हैं। सो विच ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ऑप्शन बी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन सी बैलेंस शीट एंड ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को कौन सी इक्वेशन शो करती है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बैलेंस शीट। सेकेंड क्वेश्चन, द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन आर बेस्ड ऑन डैश, जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में वो किसके ऊपर बेस्ड होती हैं। ऑप्शन ए मनी मेजरमेंट, ऑप्शन बी कॉस्ट कंसेप्ट, ऑप्शन सी गोइंग कंसर्न एंड ऑप्शन डी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये क्वेश्चन जो बेसिकली रेपिटेशन है, ईजी है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेसिस पे हम अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, कि कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करती है अकाउंटिंग इक्वेशन को। तो ये फिर से सिंपल आंसर होगा इसका, बैलेंस शीट, ठीक है। मैं बच्चों को हमेशा यही चीज़ सिखाता हूँ कि जब भी आप बैलेंस शीट बनाओ तो आप अपने माइंड में अकाउंटिंग इक्वेशन रखो। कैसे रखो, यहाँ पे आ गई आपकी कैपिटल, यहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं लाइबिलिटीज़ ऐड कर देते हैं, तो ये किसके इक्वल आती है हमारी एसेट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये याद रखना, इसी कारण से बैलेंस शीट जो है वो इक्वलाइज की जाती है, इक्वलाइज होती है, ठीक है, कि हमारी कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का टोटल जो है ना वो एसेट्स के बराबर आना जरूरी है, ठीक है जी। इसको डिटेल में समझाऊंगा UGC दिसंबर 2019 के बाद, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप ये समझो। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल फीचर ऑफ एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना ये बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम किए गए हैं, इससे आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, कन्वेंशंस की भी साथ साथ रिवीजन जो है वो हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है रेवेन्यू इज रिकग्नाइज व्हेन कैश इज रिसीव्ड, क्या रेवेन्यू रिकग्नाइज किया जाता है जब कैश को रिसीव किया जाता है। ऑप्शन बी इज कॉस्ट्स आर मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यूज ऑन बेसिस ऑफ रेलिवेंट टाइम पीरियड टू डिटरमाइन पीरियोडिक इनकम। ऑप्शन सी कॉस्ट विच आर नॉट चार्ज टू इनकम कैरिड फॉरवर्ड एंड आर केप्ट अंडर कॉन्टिन्यूस रिव्यू एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी रिफर्स टू, कि जो स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी है दैट रिफर्स टू डैश। ऑप्शन ए हमारे पास है प्रिंसिपल्स, ऑप्शन बी है मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। यहाँ पे प्रिंसिपल्स के स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं, LES होगा, ठीक है। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन। तो इसका आंसर फिर से सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट, एसेट्स प्लस कैपिटल इक्वल्स टू लाइबिलिटी, एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल, एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल्स टू निल एंड ऑप्शन डी इज नन। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नन, ठीक है। देखो आपकी रिवीजन जो है इस तरीके से हो रही है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो यहाँ से याद हो जाएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कौन इशू करता है। ऑप्शन ए ICSI, ऑप्शन बी ICAI, ऑप्शन सी ICWA एंड ऑप्शन डी RBI। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी ICAI। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड
अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट, अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1949 में, ICAI एक्ट 1949 के अंडर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो तब से अकाउंटिंग को रिव्यू करने का काम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंजेस करने का काम ये ही ऑर्गेनाइजेशन करती है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द अदर नेम ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज, कि मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। विच अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ट रिफ्लेक्ट द टाइम पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है टाइम पिक्चर को? तो ऑप्शन ए एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ऑप्शन बी कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ऑप्शन डी रिसीट्स एंड पेमेंट, सॉरी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, एक ही बात है, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल होगा, एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच द बेस्ट टाइम पिक्चर कुड बी रिफ्लेक्टेड। मतलब एक्रुअल सिस्टम में क्या होता है कि अगर सेल आज हुई है क्रेडिट बेसिस पे, पेमेंट 3 महीने के बाद रिसीव होगी, तो इसको एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग माना जाता है या समझा जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी अकाउंटिंग एक्रुअल सिस्टम के ऊपर प्रॉपरली बेस्ड है, कि ये नहीं है कि पैसा, मतलब अगर आज सेल किए तो आज ही पैसा हाथ में आना चाहिए। अगर सेल हो गई, सेल ने इनकम जनरेट कर दी, तो वो आपका एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, वेदर यू हैव रिसीव द मनी और नॉट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10 है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग विल बी, कि इन चार ऑप्शन का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा। ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 है पॉलिसीज, सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव, थर्ड पॉइंट प्रोग्राम्स, एंड फोर्थ पॉइंट इज प्रोसीजर्स। तो इसका करेक्ट जो है सीक्वेंस क्या होगा? तो इसका करेक्ट सीक्वेंस ऑप्शन है ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 2 4 3, ऑप्शन सी 2 1 4 3, एंड ऑप्शन डी 2 1 3 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2 1 3 4। मतलब पहले आएंगे ऑब्जेक्टिव्स, फिर पॉलिसीज, फिर प्रोग्राम्स, एंड देन प्रोसीजर्स, राइट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 11 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इक्विटेबल मोर्गेज, कि इक्विटेबल मोर्गेज के बारे में कौन सी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए इट इज क्रेडिट बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, ऑप्शन बी टाइटल डीड्स कैन बी डिपॉजिटेड बाय मोर्गेजर और हिज ऑथोराइज एजेंट, एंड ऑप्शन सी टाइटल डीड्स कैन बी डिपॉजिटेड एट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और एनी अदर प्लेस नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड ऑप्शन डी इट कैन बी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी लोकेटेड इन अर्बन एरियाज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इट कैन बी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी लोकेटेड इन द अर्बन एरियाज। देन 12th क्वेश्चन, एज पर अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग लॉस इज डैश, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग लॉस क्या है? ऑप्शन ए कॉज दैट कैन नॉट जनरेट एनी रेवेन्यूज इन फ्यूचर, की कॉज जो फ्यूचर में कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं करके देगी, ऑप्शन बी कैश विच हैज़ नॉट बीन चार्ज्ड, ऑप्शन सी कॉज विच हैज़ लॉस्ट इट्स यूटिलिटी, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी, कॉज दैट कैन नॉट जनरेट एनी रेवेन्यूज इन फ्यूचर, एंड ऑप्शन सी कॉस्ट विच हैज़ लॉस्ट इट्स यूटिलिटी। 13th क्वेश्चन है, The ICAI so far has issued dash accounting standards. ICAI ने अभी तक कितने accounting standard issue किए हैं? Option A है 29, option B 30, option C 32, and option D है हमारे 35. ये मैंने आपको पहले ही इसका आंसर जो है वो क्लियर कर दिया है पिछले लास्ट क्वेश्चंस में। 32 accounting standards has been issued by ICAI so far, and now at present 29 accounting standards are in process. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 14th, इन एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डैश रेवेन्यूज आर टेकन केयर ऑफ इरिस्पेक्टिव वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, ऑप्शन बी कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड इज टेकन केयर ऑफ, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी कॉस्ट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल पीरियड इज ओनली टेकन केयर ऑफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो, बोथ ए एंड बी हो, या बोथ बी एंड सी हो, या बोथ ए एंड सी हो, तो आंसर हमेशा वही होता है। ये मैं आपको तुक्का मारने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन में एंड यू आर कन्फ्यूज कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो इस कंडीशन में तुक्का मारना होता है आपने, तो तुक्का भी तरीके से मारना है, ठीक है, ताकि तुक्का जो है आपका सही लग जाए। ठीक है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ऑल ऑफ द अबव वाले, या बोथ ए एंड बी एंड बोथ बी एंड सी एंड बोथ सी एंड डी, या बोथ ए एंड सी, देन यू कैन Always write that answer अगर आपको समझ में नहीं आया। ठीक है जी, तो ये थे questions, total 30 questions थे जो हमने आज किए हैं। ठीक है, तो I hope आपको video जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, 30 questions थे हमारे।
ठीक है, 30 क्वेश्चन में से आई एम श्योर एक दो तीन या क्वेश्चन तो पक्का आएंगे ही आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कॉमर्स गुरुजी, गौरव कॉमर्स गुरुजी, ये स्पेशल आपने वहाँ पे लिखना है क्योंकि ऐसे और भी चैनल्स हैं। गौरव कॉमर्स गुरुजी हमारे चैनल का नाम है, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, आपने उसी लिंक को फॉलो करना है। या जब भी वीडियो खोलोगे ना तो बिल्कुल राइट एक्सट्रीम राइट एंड पे वाटरमार्क आता है, वहाँ पे क्लिक करोगे, वहाँ पे भी वहाँ से भी आप सीधा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गौरव कॉमर्स गुरुजी हमारे चैनल का नाम है, और मेरा जो फेसबुक पेज है वो भी गौरव कॉमर्स गुरुजी के नाम से ही है, तो आप वहाँ पे भी जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। और हमारा एक यूजीसी के लिए मैंने ग्रुप बनाया है, यूजीसी नेट दिसंबर 2019, तो आप ये वाला ग्रुप भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हर एक अपडेट जो है वो मिलेगी, ठीक है, और वो वैलिड अपडेट होगी। जो भी आपको अपडेट होगी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, फुल कोर्स आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू। सो आप यहाँ पे इन चैनल्स पे, इन मीडियम्स के थ्रू आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9877043033, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे मेरे को बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी जो है हेल्प करने की कोशिश करूँगा। कभी भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैक्सिमम हेल्प विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।